पिछले एक सप्ताह से अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर कांग्रेस ने मठकोटा पावर हाउस पर धरना दिया और नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। इन कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छतरपुर, धर्मपुर, जयनगर, डिवाइन सिटी, उत्तरायणी बिहार, दुर्गा एम्पायर, विंसल विला, द्वारिका इंक्लेव आदि क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं, जिससे क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विद्युत व्यवस्था जल्दी ठीक नहीं हुई तो एक सप्ताह बाद जन आंदोलन किया जाएगा। वहीं धरना स्थल पर विद्युत विभाग के SDO अंशुल मदान ने पहुंचकर जल्द विद्युत व्यवस्था ठीक करने का आश्वासन दिया। ये पिछले कई दिनों से मैंने जेई साहब से और SDO साहब से बात करी थी कि बिजली को सुचारू रूप से चालू करिए और अघोषित लाइट को ये बंद करिए कि जो अगर आप लाइट का कट होता है तो उसकी सूचना पहले दीजिए, लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। और इस टाइम फसल की बुआई का टाइम है, किसान पानी के ऊपर देख रहा, बरसात हो नहीं रही, नलकूप आदमी चलाएगा तो मोटर से चलाएगा, और जब मोटर पे लाइट नहीं होगी तो किसान बुआई कहाँ से करेगा। वही शहरों में है, इतने दिन से कोविड की महामारी चल रही थी, अब बाजार खुला है तो लाइट बंद है, व्यापारी भी परेशान है, घर की महिलाएँ परेशान हैं, घर पर लाइट नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा। तो इनसे कह कह के थक गए, लेकिन इनका कुछ नहीं, आंखें बंद करके बैठे हैं। और ये BJP सरकार के अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, चूँकि सरकार ही मस्त है तो अधिकारी भी बेलगाम है। तो आज इनके कान आँख खोलने आए, इनके कानों में आवाज़ देने आए हैं कि अगर 2-3 दिन में आपने बिजली को दुरुस्त नहीं किया तो इसकी तालाबंदी भी करेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को, किसानों की लड़ाई, के मजदूरों की लड़ाई, व्यापारी की लड़ाई को जहां तक जाना पड़ा हम लोग जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के सहित सभी जगह अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ आज यहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी, प्रधान जी, बहुत सारे सम्मानित लोग हैं। और जिस तरह से भीषण गर्मी भी हो रही है, किसानों का बुआई का समय चल रहा है, और इतनी अघोषित विद्युत कटौती से जहां महिलाएं परेशान हैं, रात को लोगों की नींद हराम है, बिजली से इतना परेशान होने के बाद किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो आज यहां पर हम प्रशासन और विद्युत विभाग को जगाने के लिए बैठे हैं। अगर वो जगे नहीं तो कांग्रेस के लोग इस लड़ाई को और तेज़ करेंगे।